हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर कोर्स। आज हम जानेंगे एक्सेल में डिस्काउंट एंड टैक्स फंक्शन के बारे में। डिस्काउंट वो होता है जो हमेशा हमारे अमाउंट से माइनस किया जाता है, और टैक्स वो होता है जो हमेशा हमारे अमाउंट में प्लस किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट लिया हुआ है, डीवीडी। इसकी कीमत 5,000 रुपये है। अगर इसके ऊपर 10% डिस्काउंट दिया हो तो कितने रुपए हमें देने पड़ेंगे, या फिर हम इसका 10% डिस्काउंट किस तरह निकालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा लेता हूँ। मुझे 5,000 का 10% निकालना है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 5,000 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं मल्टीपल का साइन लगा देता हूँ। साइन लगाने के बाद जितने परसेंट मुझे डिस्काउंट निकालना है उतने परसेंट मैं लिख देता हूँ। मुझे 10% निकालना है तो 10 लिख दिया। इसके बाद मैं परसेंटेज का साइन लगा देता हूँ, ये देखिए, और यहाँ एंटर। मेरा आंसर आ गया 500 रुपये। 5,000 का 10% होगा 500 रुपये। इसे हम दूसरी ट्रिक से भी कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं इजुकल टू लगा देता हूँ, 5,000 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मल्टीपल का साइन लगाता हूँ, और यहाँ पे 10% निकालना है तो 10 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मैं 10% का साइन नहीं लगाऊंगा। अब यहाँ पर मैं डिवाइड 100 कर दूंगा और एंटर। ये देखिए, मेरा आंसर आ गया। 5,000 का 10% मेरा 500 रुपये होगा, यानी कि जो चीज़ 5,000 की थी वो मुझे 4,500 की मिलेगी। डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है। अब बात करते हैं हम टैक्स की। जो हमने कंडीशन डिस्काउंट में लगाई है, यही कंडीशन हम टैक्स में लगाएंगे। चलिए, जैसे कि मैंने कोई एक 5,000 रुपये की डीवीडी खरीदी है। चलिए हमें थोड़ा रेट, मैंने एक 8,000 रुपये की डीवीडी खरीदी, मैं इसका 10% टैक्स निकालना चाहता हूँ। इस पर 10% टैक्स लगा है, या 12%, 18%, जो भी लगा है, तो किस तरह से निकालेंगे? जिस तरह से हमने डिस्काउंट निकाला था, बिल्कुल वही प्रोसीजर हम टैक्स निकालने के लिए करेंगे। इक्वल टू लगाता हूँ 8,000 का, तो 8,000 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मल्टीपल का साइन लगाता हूँ। इसके बाद 8,000 पर कितना टैक्स पे करना है आपको? 18% करना है, तो मैं 18 लिखता हूँ। इसके बाद परसेंट का साइन लगा देता हूँ। यही कंडीशन हमने डिस्काउंट में करी थी, यही इसमें एंटर मार दिया। ये देखिए, मेरा आंसर आ गया 1,440 रुपये। यानी कि अब जो मुझे अमाउंट पे करना होगा, वो अमाउंट मुझे 9,440 रुपये पे करना पड़ेगा। और अगर यही चीज़ डिस्काउंट होती, 8,000 पे 18% डिस्काउंट, तो ये माइनस हो जाता। डिस्काउंट माइनस होता है, टैक्स हमेशा प्लस होता है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ हम इस फार्मूले को अपने मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जो कंडीशन मैंने यहाँ एक्सेल के अंदर लगाई, यही हम अपने मोबाइल कैलकुलेटर में कर सकते हैं, और डिस्काउंट या टैक्स किसी भी चीज़ का कहीं पर भी निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।